हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स ग्रुप। माई सेल्फ के आज की जो क्लास है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं स्टेयर्स। देखो, बेसिकली स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। ठीक है, आपने हर एक घर के अंदर आपने देखी होंगी सीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं इनके ना, देखो आपने एक तो अपना राइजर होता है, यानी एक आप स्टेप की बात करें तो जिस तरह का स्टेप आपको दिखेगा, यानी पहले कुछ हाइट होगी, उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उसके बाद वर्टिकल होगा, फिर हॉरिजॉन्टल, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट होता है। तो स्टेयर की डेफिनेशन की तरफ मैं आता हूँ, तो क्या होगा, ए स्टेयर इज ए सेट ऑफ स्टेप लीडिंग फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, और इट प्रोवाइड्स मीडियम टू एक्सेंट और डिसेंट बिटवीन द वेरियस फ्लोर्स। यानी कि स्टेयर्स क्या है, एक सेट है स्टेप्स का, बहुत सारे स्टेप का एक सेट है, जिससे अपन किसी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर जाते हैं, चाहे तो अपन ऊपर की डायरेक्शन की बात करें या फिर अपन नीचे की डायरेक्शन की बात करें। ठीक, द रूफ और एनक्लोजर वेयर स्टेयर्स आर कंस्ट्रक्टेड इज टर्म एज द स्टेयर केस। यानी कि जहाँ पे रूफ है या फिर जो भी पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, जहाँ पे इन स्टेयर्स को बनाया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, स्टेयर केस कह देते हैं। और जो इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाई द स्टेयर्स इन स्टेयर्स टर्म एज द स्टेयर वे। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेयर बनाई जाती हैं उस पर्टिकुलर स्पेस की अपन बात करें तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, स्टेयर वे। उस पर्टिकुलर एरिया को अपन क्या कह देते हैं भाई, स्टेयर वे यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जिसको अपन डेफिनेशन हैं जिसको अपन समझेंगे। जैसे पहले स्टेप की मैं बात करूँ, ठीक है, स्टेप क्या होता है, इट इज़ द पोर्शन ऑफ स्टेयर विच परमिट द असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी ये स्टेयर का एक पोर्शन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो अपना क्या होता है राइजर, एक तो यानी कुछ इस तरह का राइजर होता है, और एक क्या होता है उसके अंदर ट्रेड होता है। ठीक है, तो ये पूरा जो पर्टिकुलर क्या होगा, एक स्टेप होगा, ठीक है, जिसमें दो कंपोनेंट, एक तो थ्रेड है, थ्रेड तो अपन क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर को कह देते हैं थ्रेड, और वहीं अपन जो इस वर्टिकल मेंबर की बात करें तो इसको अपन कहा जाता है राइजर, इसको कह देते हैं अपन भाई राइजर। ठीक है, तो ये एक पूरा कंप्लीट क्या हो गया, एक स्टेप हो गया, जिसके अंदर एक क्या हो गया अपना राइजर हो गया और एक अपना क्या होगा थ्रेड हो गया। तो अब अपन बात करें द स्टेयर कंसिस्ट सेट ऑफ स्टेप। अब जब स्टेयर की बात करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्या होंगे, स्टेप्स होंगे, तो उनको टोटल यदि मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अपना एक स्टेयर कहलाता है। और ट्रेड की अपन बात कर रहे थे भी, तो ट्रेड क्या होता है, इट इज ए अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ स्टेप ओवर विच फुट इज प्लेस्ड वाइल द असेंडिंग और डिसेंडिंग। यानी अब जब अपन ऊपर जाएं या फिर नीचे की तरफ जाएं तो जिसके ऊपर अपना फुट रेस्ट करता है, यानी जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसके अपन पैर रखते हैं, ठीक है, वो जो पोर्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई, ट्रेड कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ अपन आते हैं, नेक्स्ट आता है अपना राइजर। ठीक है, तो द राइजर क्या होगा, द वर्टिकल पोर्शन ऑफ स्टेयर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द ट्रेड इज टर्म एज द राइजर। यानी कि अब ये जो ट्रेड था, ट्रेड किसके ऊपर रहता है, हमेशा राइजर के ऊपर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये राइजर्स होंगे जो कि ट्रेड को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके ऊपर अपन पैर रखते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए जो होता है जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई, राइजर कह देते हैं। फिर नेक्स्ट हम की अपन बात करें फ्लाइट, तो फ्लाइट क्या होती है, इट इज़ द अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्टेप बिटवीन द लैंडिंग। यानी आपने यहाँ से स्टेयरकेस को स्टार्ट किया, सीधे सीधे गए, और यहाँ पे अपनी क्या होती है, एक लैंडिंग होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो है, यानी एक लाइन के अंदर जितनी सीढ़ियाँ जो आती हैं उसको अपन क्या कह देते हैं, फ्लाइट कर देते हैं। ऐसा कहीं भी, फिर उसके बाद जैसे एक फ्लाइट दी जाएगी बीच में, फिर उसके बाद में क्या जाएगा, एक दूसरी फ्लाइट हो जाएगी, यानी बीच में लैंडिंग दे दी। आपने देखा होगा जितनी भी सार्वजनिक बिल्डिंग्स होती हैं तो उनके अंदर कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ होती हैं, ये जो फ्लाइट होता है वो 3 से 12 स्टेप्स के मिला के बनाया जाता है एक फ्लाइट। ठीक है, मिनिमम इसके अंदर एक फ्लाइट के अंदर 3 सीढ़ियाँ होती हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, मैक्सिमम 12 होते हैं। उसके बाद में एक लैंडिंग के लिए, एक फुट रेस्ट के लिए थोड़ा सा एक बड़ी सीढ़ी को यहाँ पे दे दिया जाता है। फिर अपन बात करते हैं लैंडिंग की, तो लैंडिंग क्या है, ये वही पोर्शन है जहाँ पे अपन एक फ्लाइट एंड करती है, तो इट इज़ द लेवल प्लेटफॉर्म एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्लाइट। यानी जो भी फ्लाइट है जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कोई सीढ़ी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मान लिया स्टेप गए, मेरे मान लिया मैंने 8-10 सीढ़ियाँ यहाँ पे ले दी, लगातार स्टेप दे दिए, उसके बाद में क्या है, एक फिर अगेन लैंडिंग दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अपन कुछ पोर्शन के लिए आराम के लिए होता है, जैसे भाई जो यहाँ से यहाँ तक आने में कोई परेशान थक जाए तो यहाँ थोड़ा सा उसको आराम मिल जाएगा, उसके बाद फिर अगेन नेक्स्ट फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। लैंडिंग क्या होता है, इट इज़ द लेवल प्लेटफॉर्म ऑफ टॉप एंड बॉटम, इट फैसिलिटेट टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। यहाँ से आप चाहो तो सीढ़ी से डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हो, वहाँ पर भी फ्लाइट की जाती है, जैसे आपने देखा हो सीढ़ियाँ डॉग लेग टाइप की होती है, जैसे पहले ऐसी कुछ तरह की सीढ़ी होगी, यहाँ सीढ़ी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर क्या एक लैंडिंग दे दी जाएगी। ठीक है, और उससे फिर यहाँ से उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, ये पोर्शन भी क्या कहलाता है, ये लैंडिंग ही कहलाता है। ठीक, तो इसका काम क्या होगा, एक तो क्या, जब भी अपन को डायरेक्शन चेंज करनी हो या फिर अपन को लगातार यदि आप स्टेयर चढ़ के थक गए हैं तो उस केस में रेस्ट के लिए अपन क्या दी जाती है, लैंडिंग दी जाती है। नेक्स्ट अपन ने बात करी राइज की, तो राइज क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रेड ऑफ द फेसेस।
यानी एक ट्रेड ये है, उसके बाद एक वर्टिकल मेंबर दिया जाएगा और एक तो दूसरा ट्रेड दिया जाएगा। इनके बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है भाई? राइस। इसको क्या कहा जाता है? राइस। फिर अपन बात करते हैं गोइंग। तो गोइंग क्या होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू राइजर फेसेस। जैसे अगेन यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे एक लैंडिंग है, उसके बाद मैंने एक राइजर दे दिया, उसके बाद में एक अगेन एक लैंडिंग दे दी, उसके बाद यहाँ पे एक राइजर दे दिया, उसके बाद एक और लैंडिंग दे दी। सीढ़ियाँ कुछ इसी तरह की होती। तो इन दोनों राइजर के जो वर्टिकल बीच की डिस्टेंस होती है उसको अपन बोलते हैं गोइंग। इसको अपन क्या बोल लेते हैं भाई? गोइंग। ठीक है, तो ये क्या है? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू राइजर फेसेस। एक फेसेस का यहाँ है, एक फेस यहाँ है, दोनों फेस के जो डिस्टेंस होती है इसको अपन क्या कह देते हैं भाई? गोइंग कहा जाता है। अब ये आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, इसको अपन समझते हैं और उसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हैं। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, ये अपनी क्या होती है? स्ट्रिंग होती है, जो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्लैब होती है, या फिर आप यहाँ स्टोन की स्लैब भी बना सकते हो या फिर आरसीसी की स्लैब बना सकते हो। इसको तो अपन कह देते हैं भाई स्ट्रिंग। इसको अपन क्या कह देते हैं भाई? स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग के ऊपर जो ये मटेरियल होता है इसको बोला जाता है वेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? वेस्ट बोला जाता है। फिर ये जो राइजर है, एक राइजर का फेस यहाँ है, एक राइजर का फेस यहाँ है, इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? बोइंग। और वहीं अपन ने देखा था कि दोनों ट्रेड के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको अपन क्या कह देते हैं? राइजर। और ये डिस्टेंस होगी इसको राइज, यानी कि जो स्टोन के या फिर जो यूज किया उसको तो राइजर कहेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या कर देंगे? राइजर कह देंगे। एक जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है उसके ऊपर हम उसके ऊपर पैर रखते हैं बेसिकली, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? ट्रेड बोल देते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या, एक रेस्ट करने के लिए जो बड़ी सीढ़ी आ जाती है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? लैंडिंग कह देते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं साइड में, अपने क्या कि रेलिंग प्रोवाइड करते हैं हमेशा, अपन क्या सिक्योरिटी के हिसाब से अपन क्या कर देते हैं भाई? रेल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन होता है, फर्स्ट वाला जो स्टैंड होता है, वर्टिकल मेंबर होता है, उसको अपन कह देते हैं नेवल पोस्ट। सब फर्स्ट वाले को क्या बोल देते हैं? नेवल पोस्ट। और इसके मीडियम के अंदर जितने भी स्टेप्स के ऊपर सपोर्ट होते हैं उनको अपन कह देते हैं ब्लास्टर्स। उनको अपन क्या कह देते हैं भाई? ब्लास्टर्स। और ये ऊपर का जो रेल होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? हैंड रेल। ठीक, तो ये सारी कुछ टर्म्स हैं। और इसके अलावा भी, जैसे अब ये मैंने अलग से स्टेप को यहाँ से एनलार्ज करके बना दिया, यहाँ से पर्टिकुलर उठा के मैं यहाँ लाया, इसके अंदर अपन क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो ये राइजर है, जो वर्टिकल मेंबर है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? राइजर। वर्टिकल मेंबर में राइजर हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मेंबर की। तो हॉरिजॉन्टल मेंबर अपना क्या हो गया? ट्रेड। हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या हो गया? अपना ट्रेड हो गया। अब इस राइजर से लेके दोनों राइजर के जो बीच की डिस्टेंस है इसको अपन क्या कह देते हैं भाई? गोइंग। इसको अपन क्या बोल देते हैं? गोइंग। और जो पोर्शन यहाँ पे प्रोजेक्टेड है, यानी जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उस पोर्शन को बोल देते हैं अपन नोजिंग। उसको अपन क्या बोल देते हैं भाई? नोजिंग। और यहाँ से जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गई वो तो राइज है, यानी जो मेंबर है उसको राइजर, और जो डिस्टेंस है उसको राइज कहा जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आर्किटेक्चर भी बढ़ाने के लिए अपन एक इस तरह का पोर्शन लगा देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं स्कॉटिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं भाई? स्कॉटिया। ये सिर्फ आर्किटेक्चर पर्पज से देखने में अच्छा लगे इसके लिए अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये टर्म्स हैं जिनको अपन को याद रखना है, और इस पूरे कम्बाइंड टर्म को अपन क्या कह देते हैं? एक स्ट्रैप। ठीक है, जिसके अंदर दो राइजर हैं, दो ट्रेड्स हैं, मिला के एक बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? अपना स्टेयर्स का एक स्टेप कहलाता है। अब नोजिंग की अपन बात करें, नोजिंग अपने देखा, तो नोजिंग क्या था? तो प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द ट्रेड दिस टर्म एज बियॉन्ड द फेस ऑफ राइज, दिस टर्म एज द नोजिंग। यानी ये राइजर, और राइजर के ऊपर ये ट्रेड था, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको अपन क्या कह देते हैं भाई? नोजिंग। इसके लिए काम क्या आता है? इट इज यूजली राउंडेड, द राउंडेड फ्रॉम द आर्किटेक्ट यूज ऑफ बॉन्ड। एक तो क्या है, इसको आर्किटेक्ट पर्पज से क्या, इसको गोल कर दिया जाता है। ठीक है, आज पर गोल कर दिया जाता है, और इससे अपन के प्रॉपर क्या है, पूरा स्पोर्ट रेस्ट के लिए स्पेस मिल जाता है, इसलिए अपन इसको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट अपन ने बात करी थी स्कॉटिया, यानी आगे जो अपने जो नोजिंग थी, उस नोजिंग और ये राइजर के बीच में यहाँ पे अपन जो लगा देते हैं इसको अपन क्या बोल देते हैं? स्कॉटिया। स्कॉटिया ए मोल्डिंग प्रोवाइडिंग बिलो द नोजिंग टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ एलिवेशन इज टर्म एज द सॉफ्ट, यानी कि इसको सपोर्ट देने के लिए अपन क्या कर देते हैं? यहाँ प्रोवाइड करते हैं, जो कि आर्टिफिशियल पर्पज से भी अच्छा लगता है। यहाँ पर अपन बात करते हैं लाइन ऑफ नोजिंग। लाइन ऑफ नोजिंग क्या होती है? इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू द स्ट्रिंग एंड टेंजेंशियल टू द स्ट्रिंग, यानी कि जो भी नोजिंग की लाइन है, जो स्ट्रिंग है, यानी ये स्ट्रिंग थी अपनी, ठीक है, और स्ट्रिंग के ऊपर अपन क्या इस तरह से कुछ स्टेप बनाए थे, इस तरह के थे, तो इनके पैरेलल में एक इमेजिनरी यदि इसको नोजिंग को मिला दिया जाए, ठीक है, इन नोजिंग को मिलाते हुए एक लाइन यदि खींच दी जाती है उसको अपन क्या कर देते हैं? लाइन ऑफ नोजिंग, लाइन ऑफ नोजिंग कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं स्लोप और पिच। तो ये क्या है? इट इज ए एंगल मेड ऑफ द लाइन ऑफ नोजिंग विद द हॉरिजॉन्टल। इस लाइन ऑफ नोजिंग का जो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? स्लोप, या फिर पिच ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेयर।
टेस्टिंग की बात अपन ने करी। टेस्टिंग क्या होता है? द स्लोपिंग मेंबर विच सपोर्ट्स द स्टेप्स ऑफ स्टेयर टर्म इज द टेस्टिंग, यानी कि जो भी अपना एक मेंबर था जो स्लोपिंग मेंबर है उसको सपोर्ट करने के लिए जो मटेरियल बनाया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं? टेस्टिंग। जैसे बेसिकली चाहे वो स्टोन का बनाए चाहे वो RCC का बनता है, ठीक है। उसके बाद अपने सबसे फर्स्ट जो वर्टिकल मेंबर था हैंड रेल्स के साथ सपोर्ट कर रहा था, यानी यहाँ पे जो फर्स्ट जो वर्टिकल मेंबर था उसको नाम दिया था क्या? नेवल पोस्ट। तो ये क्या है? इट इज द वर्टिकल मेंबर प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट ऑफ फ्लाइट टू सपोर्ट द हैंड रेल इज नोन एज द नेवल पोस्ट। उसके बाद जितने भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंबर रहेंगे उनको अपन क्या कह देते हैं? ब्लास्टर्स। ब्लास्टर्स का काम क्या होता है? ब्लास्टर्स आर द वर्टिकल मेंबर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट हैंड रेल आफ्टर द नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट के जितने भी बाद में है जो हैंड रेल को सपोर्ट करेंगे स्टेयर्स के साथ में उसको अपन क्या कहते हैं भाई? ब्लास्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हैंड रेल्स की। तो हैंड रेल्स क्या होता है? इट इज ए मोल्डेड और राउंडेड पोर्शन पैरेलल टू द स्ट्रिंग यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट वाइल यूजिंग द स्टेयर्स। यानी अब जब हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं साइड में क्या होती है? एक रेलिंग लगी रहती है जो अपने वेस्ट लेवल के ऊपर होती है, कमर के बराबर होती है और नॉर्मली पकड़ के नहीं स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? हैंड रेल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रन की। तो रन क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ स्टेयर्स इज हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लूडिंग द लैंडिंग। यानी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है यहाँ से लेके यहाँ तक का, जैसे सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक गई, ठीक है, यहाँ ये लैंडिंग हो गई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो टोटल जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वो एक रन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? रन कहलाती है, ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं हेड रूम। हेड रूम यानी कि आप यहाँ पे स्टेयर से चढ़ रहे हो तो आपके हेड के ऊपर में कुछ एक लेवल होता है, ठीक, जो कि अपने ऊपर ऊपर के फ्लोर के ऊपर होगा, तो अपन क्या कहते हैं? हेड रूम। और मिनिमम जो क्लियर वर्टिकल डिस्टेंस होती है बिटवीन द ट्रेड एंड सीलिंग, यानी कि ये ट्रेड अपन गए इस ट्रेड से ऊपर की सीलिंग जो छत जो है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2.3 से लेके 2.5 मीटर के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेडर। तो हेडर क्या होता है? इट इज़ द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द स्टेयर्स। यानी स्टेयर्स को सपोर्ट करने के लिए जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर प्रोवाइड किया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? हेडर कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंपोनेंट्स थे जो अपन स्टेयर केस के बारे में पढ़े कि भाई जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको राइजर कह देते हैं, जो डिस्टेंस होती है उसको राइज कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मेंबर इसका फुट स्टेप रेस्ट करता है उसको हम थ्रेड कह देते हैं, जो पोर्शन दोनों राइज के बीच का होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई? बोइंग बोल देते हैं। जो पोर्शन प्रोजेक्टेड होता है उसको नोजिंग बोल देते हैं। नोजिंग को मिला दिया जाए तो वो नोजिंग लाइन हो जाएगी। यदि उसके ऊपर अपने हैंड रेल प्रोवाइड किया हुआ है यानी कि साथ में रेलिंग प्रोवाइड की है तो उसका जो इंक्लाइन मेंबर जो पाइप रहता है उसको अपन हैंडल कह देते हैं। फर्स्ट को अपन नेवल पोस्ट कह देते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्टिकल्स मेंबर होते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं भाई? नेवल पोस्ट कह देते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी। अब अपन बात करते हैं कि कोई अपन को एक अच्छी गुड क्वालिटी की क्या बनानी है? स्टेयर्स बनानी, यानी गुड स्टेयर्स अपन को बनानी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? सबसे पहले अपन बात करें कि जो स्टेयर्स हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। जो स्टेयर्स हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड करनी चाहिए? तो इट शुड बी लोकेटेड एट सच दैट इट्स ईजीली एसेल बाई ऑल द ऑक्यूपेंट्स बाई द बिल्डिंग। यानी ये ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं वो उसको आसानी से क्या कर सके? एक्सेसिबल हो, सबके पहुंच में हो, ठीक है। तो ऐसी जगह पर होनी चाहिए। और इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड वेल लाइटेड फ्रॉम द एक्सटीरियर। और इस पर जब भी अपन स्टेयर्स बना रहे हैं तो ये अपन को ध्यान में रखना चाहिए, एक तो वहाँ प्रॉपर हवा आनी चाहिए और दूसरा इसके अंदर क्या वेल लाइट होनी चाहिए, बाहर से प्रॉपर एक लाइट इसके अंदर आनी चाहिए। फर्स्ट तो अपन क्या है? लोकेशन की बात करी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेड ऑफ स्टेयर, यानी पर्टिकुलर बेड कितनी होनी चाहिए स्टेयर पे। तो यदि अपन घरेलू पर्पज की बात करें यानी डोमेस्टिक बिल्डिंग की अपन बात कर लेते हैं तो उसके अंदर जो बेड्स होती है 0.9 मीटर होती है, ठीक है, 0.9 मीटर, एक मीटर से थोड़ी कम, 0.9 या फिर आप कह सकते हो 90 सेंटीमीटर मिनिमम उसकी बेड्स होनी ही चाहिए। वहीं यदि अपन पब्लिक बिल्डिंग की बात करें पब्लिक बिल्डिंग के अंदर जो बेड्स होती है वो कितनी होती है? 1.5 मीटर से लेकर 1.8 मीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर के बीच में उसकी पर्टिकुलर बिट होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं लेंथ ऑफ फ्लाइट। लेंथ ऑफ फ्लाइट मतलब होता है जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं एक लैंडिंग से दूसरी लैंडिंग के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, वो कितनी होनी चाहिए? फॉर द कम्फर्ट ऑफ पॉइंट व्यू द स्टेप्स मस्ट नॉट मोर देन 12 एंड लेस देन 3। यानी कि दोनों लैंडिंग के बीच में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 मतलब सॉरी मैक्सिमम 12 स्टेयर के इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यदि अपन कम्फर्ट कंडीशन की बात करके चलते हैं। ये हमें हमेशा ध्यान में रख के चलना है, ठीक। नेक्स्ट अपन यदि बात करें पिच और स्लोप की। पिच और स्लोप मतलब होता है कि जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल जो से जो इंक्लाइनेशन जो एंगल होता है ये जो एंगल है वो नॉर्मली रखा जाता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच। ये 30 डिग्री से कम रहोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएगी और वहीं 45 डिग्री से ज़्यादा रखोगे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो जाएगी, यानी उस पर चढ़ने में अपने को क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। अब देखा हो कि जब स्पेस कम होता है तो हम इससे एडवर्स कंडीशन में चले जाते हैं तो वहाँ पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है।
तो इसलिए इस एंगल को याद रखा जाए 30 से देखिए 45 डिग्री के बीच में ही ये एंगल लाई करना चाहिए। वहीं अपन हेडरूम की बात करें, यानी सर के ऊपर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो उसको अपन हेडरूम कह देते हैं। तो मोस्टली इसकी रेंज होती है वो 2.1 से लेकर 2.3 मीटर के बीच में होनी चाहिए गुड स्टेयर केस के लिए। फिर अपन यदि मटेरियल की बात करें, तो जिस मटेरियल की अपन स्टोव मतलब जो स्टेयर्स बना रहे हैं, ठीक है, मटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन शुड बी सच दैट द सफिशियंट, उसकी स्ट्रेंथ एक तो सफिशियंट होना चाहिए, दूसरा क्या फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए। दोनों ही क्वालिटी उस मटेरियल के अंदर होनी चाहिए जिसके बाद स्टेयर केस बना के चलते हैं नॉर्मल कंडीशन के अंतर्गत। फिर अपन बात करते हैं स्टेप के डायमेंशन की, तो स्टेप डायमेंशन के अंदर क्या होगा भाई, एक तो राइजर होगा और एक क्या अपना ट्रेड होगा। बेसिकली इन दोनों के साइज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है अपनी क्या डायमेंशन जो भी है स्टेयर केस की। तो इट्स शुड बी सच दैट द प्रोवाइड कम्फर्ट टू यूज़, तो यदि इसको कम्फर्टेबली अपन यूज कर सकते हैं, तो इसकी जो गोइंग की जो डिस्टेंस है, गोइंग मतलब क्या था, यानी कि दो राइजर्स के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो मिनिमम 25 सेंटीमीटर से लेके 30 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। वहीं यदि मैं राइजर की बात करूँ, यानी कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 10 से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, ठीक है। वहीं यदि 2 × राइजर प्लस यदि मैं गोइंग की डिस्टेंस निकालो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। यदि राइजर और गोइंग को जोड़ दिया जाए तो 40 से 45 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। वहीं यदि दोनों का मल्टीपल किया जाए, राइज का और गोइंग का, तो मल्टीपल करने के बाद में 400 से 450 के बीच में आना चाहिए। जनरली अपन बात करें नॉर्मल बिल्डिंग्स के अंदर जो राइजर जो लेते हैं अपन, वो अपन 14 सेंटीमीटर का लेते हैं, और जो गोइंग लेते हैं वो क्या लेते हैं 30 सेंटीमीटर का लेके चलते हैं, ठीक है। तो इस रूल को फिर एक अपन याद रखते हैं, थंब रूल क्या है, थंब रूल इज फॉलोड द सेलेक्टिंग द अदर कॉम्बिनेशन ऑफ राइज एंड गोइंग फॉर एवरी 2 सेंटीमीटर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द गोइंग एंड 1 सेंटीमीटर यूज इन राइज, ठीक। यदि इससे बड़ा यूज कर रहे हो, यानी कि जैसे आपने अभी 14-30 बताया अपन, ठीक है, यदि 14 राइजर है तो 30 अपन को क्या लेना है भाई, गोइंग लेनी। वहीं यदि आप राइजर को 15 कर रहे हो, तो गोइंग की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, -2 करनी पड़ेगी, इधर से -1 इधर से सॉरी इधर +1 इधर -2 करके चलना है, ये अपना एक थंब रूल होता है, ठीक। फिर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेप, यानी स्टेयर कैसे कैसे होते हैं, ठीक। जैसे पहले अपन बात करें फिलर्स की, फिलर का मतलब क्या होता है, इट इज़ द ऑर्डिनरी स्टेप ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड प्लान इज रेक्टेंगुलर, ऐसा कोई स्टेयर्स जो कि कैसा हो रेक्टेंगुलर शेप में हो, और सबकी जो बिट्स है वो क्या हो सेम, तो वो तो अपना क्या कहलाता है फिलर स्टेप कहलाता है। उसके बाद होता है बुलनोज स्टेप, तो बुलनोज में क्या होता है, इट इज़ जनरली प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ फ्लाइट एंड प्रोजेक्ट टू फ्रंट ऑफ नेवल पोस्ट, इट एंड्स नियर द नेवल पोस्ट फ्रॉम द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल। जब भी अपन जैसे सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है, सर्कुलर कोई बना देते हैं, उसके जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे जो प्रोवाइड किया जाता है उसको अपन क्या कह देते हैं बुलनोज कहा जाता है। एक होता है अपना राउंडेड एंड स्टेप, इट इज सिमिलर टू द बुलनोज स्टेप एक्सेप्ट हैज सेमी सर्कुलर एंड एंड प्रोजेक्टेड आउट फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये क्या होता है सेमी सर्कुलर होता है। वहीं स्प्लिट स्टेप की बात करें, तो इट इज प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लाइट एंड नियर टू द नेवल पोस्ट स्प्लिट बाई कर्टेल, यानी सबसे पहले बिगनिंग के अंदर जो फ्लैट के जो प्रोवाइड किया जाता है वो क्या होता है स्प्लिट स्टेप होता है, ठीक है। इनको अपन हम डायग्राम से समझते हैं, जैसे ही अपन ने बात करी कोई कॉमन स्टेप की बात कर रहे हैं, ठीक। तो यदि वो सारे ही वर्टिकल्स मेंबर हैं हॉरिजॉन्टल के चल रहे हैं, तो उसको अपन क्या कह देते हैं सबके बिट बराबर है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई कॉमन स्टेप, ठीक। उसके बाद अपन बात करें कि इसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहता है, ठीक है, किसी की बिट ज़्यादा है किसी की कम है, उसको अपन क्या कह देते हैं भाई डांसिंग स्टेप। वहीं आपने देखा होगा कई बार कि बीच में यदि यहाँ से जब अपन चेंज करते हैं डायरेक्शन, जब अपन चेंज करते हैं, तो वहाँ पर क्या है कुछ बेज शेप के स्टेप्स भी बना दिए जाते हैं, ठीक है, क्या बना दिए जाते हैं, यानी आधे पोर्शन को कट कर दिया जाता है, फिर उसके ऊपर लेवल बना दिया, फिर उसके ऊपर लेवल बना जाता है, उसको अपन कह देते हैं विंडर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई विंडर्स कह देते हैं। ये अपने फिलर स्टेप है जो तो आपको देख रहे हैं नोवल पोस्ट, दोनों नोवल पोस्ट के बीच की ये वर्टिकल वॉल है, और स्टेप क्या है बिट सारी बराबर है, तो उसको अपन क्या देते हैं फिलर स्टेप या नॉर्मल स्टेप बोल दिया जाता है, ठीक है। और एंड के अंदर यदि कोई राउंडेड स्टेप दिया गया उसको राउंडेड स्टेप बोल देते हैं, ठीक है। यदि इसको कुछ इस क्वाड्रेटिक में कट कर दिया गया है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं बुलनोज बोल देते हैं। वहीं इसको इंक्लाइन कर दिया गया एंगल की वजह, उसको अपन क्या कह देते हैं स्प्लिट स्टेप कर देते हैं। ये अपन स्टेप्स अभी तीनों ही टाइप के देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। फिर कॉमोडेटिव स्टेप की बात करते हैं, इट इज प्रोवाइडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द फ्लैट एज कर्व ट्रेड और राइजर, जिसमें ट्रेड और राइजर क्या होते हैं कर्व शेप होते हैं, उसको कॉमोडेटिव स्टेप बोल देते हैं। फिर डांसिंग या बैलेंसिंग स्टेप की बात करते हैं, दीज आर द स्टेप विच डू नॉट हैव एनी यूनिफॉर्म गोइंग, जब उनकी यूनिफॉर्म गोइंग नहीं होती, गोइंग की जो जो बिट है वो क्या सेम नहीं होती, तो उसको अपन क्या कह देते हैं भाई डांसिंग या बैलेंसिंग स्टेप। तो टेपर्ड स्टेप होते हैं जो कि नॉन, और जो टेपर्ड का मतलब क्या होता है, यानी एक तरफ से क्या है उसकी बिट ज़्यादा है और एक तरफ क्या होती है कम होती है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं विंडर्स, ठीक है, उसको अपन क्या बोल देते हैं विंडर्स बोल देते हैं। और डांसिंग स्टेप और दोज विंडर्स
विच डू नॉट रेडिएट फ्रॉम द कॉमन सेंटर, यानी उनका कोई कॉमन सेंटर नहीं होता है, जिसको हम क्या कहते हैं डांसिंग स्टेप। बेंडर्स के अपन बात करी थी, टाइप्स ऑफ स्टेप विच रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ नेवल पोस्ट टर्मिनस द बेंडर्स। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, ये अपन को इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना है, यानी सीढ़ियों के टाइप बता दिए अपन, ठीक है। तो स्टेयर, स्ट्रेट स्टेयर, सबसे पहले अपन बात करते हैं स्ट्रेट स्टेयर्स, यानी सीधी, यानी सिंपल सीधी सीढ़ी है, इसको अपन क्या कह देते हैं सिंपल, ठीक है। तो इट हैज स्ट्रेट रन बिटवीन द टू फ्लोर, यानी दो फ्लोर है, एक फ्लोर यहाँ है एक फ्लोर यहाँ है, और इनके बीच में सीधे स्टेयर्स अपन लगा दिए हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं स्ट्रेट स्टेयर्स कहलाते हैं। इट हैज स्ट्रेट रन बिटवीन द टू फ्लोर्स आइदर इन सिंगल फ्लाइट और मोर देन वन फ्लाइट। इट इज प्रोवाइडेड वेयर देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑफ विड्थ, यानी जहाँ पे विड्थ कम होती है अपने पास, स्टेयर्स क्या है लंबाई तो अपने पास अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर विड्थ कम है, तो वहाँ पर क्या है सीधे सीधे स्टेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं, या तो बिना किसी लैंडिंग के प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर कहीं पे यदि तीन स्टेप प्रोवाइड कर दिए उसके बाद एक लैंडिंग प्रोवाइड कर दी, फिर उसका प्रोवाइड इस तरह से कर, लेकिन इस केस में क्या प्रोवाइड किया, बेड्स अपने पास लिमिटेड है, लेंथ अपने पास कमी नहीं है, स्पेस लेंथ में तो अवेलेबल है लेकिन बेड्स अपने पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती, इस केस में अपन स्ट्रेट एयर उसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने टर्निंग स्टेयर केयर, ठीक है। टर्निंग का मतलब क्या होता है, टर्न करनी, ऐसे गए फिर ऐसे चले गए, ठीक है, या फिर ऐसे चले गए ऐसे, जो भी जितने टर्न हुए अल्टीमेटली क्या है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, सीधी सीधी ना जाके जो टर्न कर जाती है उसको हम क्या कहते हैं टर्न स्टेयर कह देते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ स्टेयर्स इन विच एयर वुड बी एटलीस्ट वन चेंज इन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है कम से कम एक बार, जैसे हम सीधे गए तो एक डायरेक्शन चेंज कर दी, लेफ्ट कर दी, ठीक है, चाहे आप यहाँ से गए राइट कर दी, ठीक है, चाहे आपने एक बार लेफ्ट किया दो बार लेफ्ट फिर ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या है डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसको हम क्या कहते हैं टर्निंग स्टेयर। तो दीज आर द टाइप ऑफ स्टेयर्स इन विच देयर वुड बी एटलीस्ट वन चेंज, दीज आर फॉलोइंग टाइप्स, जिसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पहले क्वार्टरन टर्न स्टेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना हाफ टर्न, या फिर इसको अपन बोल देते हैं डॉग लाइक स्टेयर्स, या फिर ओपन वेल स्टेयर्स। तीसरा होता है थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर्स, और चौथा होता है बाइफर्केटेड स्टेयर्स, ठीक है। इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जैसे अपन पहले बात कर रहे हैं क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज चेंज एट द राइट एंगल, अपन जैसे कि सीधा स्टेयर्स को अपन स्टार्ट किया इस तरह से, ठीक है, और एक अपने क्या कर दिया 90 डिग्री का एंगल दे दिया, एक टर्न मरवा दिया ऐसा, ठीक है। यदि फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेयर्स का टर्न हो गया, ये जो स्टेयर केस होती है उसको हम क्या कह देते हैं क्वार्टर टर्न, ठीक है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट इज चेंज एट राइट एंगल आइदर द लेफ्ट और आइदर द राइट, चाहे तो आप इधर राइट की बात करो भाई, ये स्टेयर ऐसे टर्न की है, उसको आप ऐसे भी कर सकते हो किसी भी एक डायरेक्शन के अंतर, तो वो अपनी क्या कहलाती है क्वार्टर टर्न स्टेयर केस कहलाती है। इसकी सूटेबिलिटी कब होती है, जब ब्रेथ क्या है मोर बट लेंथ इज लिमिटेड, जब आपके पास क्या है आपका जो ओपन स्पेस है वहाँ आपको ब्रेथ तो अच्छी खासी है लेकिन आपके पास लेंथ कम अवेलेबल है, उस केस को हम क्या करते हैं टर्निंग स्टेयर्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाफ टर्न, या फिर जिसको बात करते हैं डॉग लेग, ठीक है। तो इट कंसिस्ट टू फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स विच आर अपोजिट डायरेक्शन, नो स्पेस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द फ्लाइट ऑफ प्लांट्स, यानी अपने क्या किया पहले स्टेयर्स को ऐसे लेके गए, ठीक, यानी पहले एक डायरेक्शन लिए, अब हाफ टर्न, पहले क्वार्टर टर्न में तो ऐसे हुआ था, ठीक है, हाफ टर्निंग के अंदर क्या हो जाएगा दोबारा वापस टर्न कर देना है इधर की तरफ, ठीक है। तो ये जो अपना होता है उसको अपन क्या कह देते हैं भाई हाफ टर्न, या फिर अपन क्या बोलते हैं डॉग लेग। हाफ टर्न के अंदर क्या है डॉग लेग, जब यानी जो एंगल है अपना क्या हो गया 90 के साथ में एक 90 और यानी 180 डिग्री पर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, वो तो अपनी क्या कहलाती है हाफ टर्न स्टेयर केस कहलाती है, ठीक। तो ये तो क्या हो गई, जब हाफ टर्न के अंदर यदि यहाँ पर बीच के अंदर स्पेस नहीं प्रोवाइड किया गया उसको अपन क्या कह देते हैं डॉग लेग, नहीं यदि इसके बीच में कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दिया जाता है भाई, ये अपन ऐसे गए उसका टर्न किया और यहाँ बीच के अंदर क्या है कुछ स्पेस प्रोवाइड कर दिया, ये बीच में स्पेस प्रोवाइड कर दिया, उसको अपन क्या कर देते हैं ओपन वेल स्टेयर केस। ये हाफ टर्न स्टेयर्स विद ए स्पेस बिटवीन द फ्लाइट इज नोन एज द ओपन वेल स्टेयर्स। इसकी सिटेबिलिटी कहाँ होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर अपन नॉर्मली ये वाला आप देखेंगे ओपन वेल स्टेयर केस प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर्स। ए स्टेयर्स टर्निंग थ्रू थ्री राइट एंगल्स इज नोन एज थ्री क्वार्टर टर्न, भाई इस डायरेक्शन से अपन ने स्टार्ट किया उस पर ऐसे गए, ठीक है, फिर उस पर ऐसे गए, फिर उस पर अगेन टर्न कर दिया अपन, ठीक, तीन टर्न यदि हो गए तो उसके अपन क्या कह देते हैं भाई थ्री क्वार्टर टर्न, ये अपन क्या तीन टर्न कर दिया इस पर, यानी कि 270 डिग्री एंगल पे यदि रोटेट कर दिया तो क्या कहलाती है अपनी थ्री क्वार्टर टर्न स्टेयर कहलाती है। फिर अपन बात करते हैं बाइफर्केटिंग, बाइफर्केटिंग मतलब होता है दो डायरेक्शन के अंदर अलग अलग कर देना, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ स्टेयरकेस हैज अ वाइड फ्लाइट बॉटम विद बाइफर्केट इन द नैरो फ्लाइट आर टर्निंग इन लेफ्ट साइड एंड अदर इन राइट साइड ऑफ द लैंडिंग, एंड जैसे अपन पहले यहाँ से स्टेयर्स केस चल रहा था अपना ऐसे चलते गए
फिर उसको आगे जाके दोनों डायरेक्शन के अंदर क्या कर दिया, टर्न कर दिया, तो वो अपनी क्या करेगी, बाइफर्गेट कर दिया, ये अपनी क्या हो जाएगी, बाइफर्गेटेड स्टेयरकेस हो जाएगी। वहीं क्वार्टर टर्न की अपने बात करी तो अपन ऐसे गए ऐसे गए और उसमें क्या करें 90 डिग्री पर इस तरह से टर्न कर दिया। आप चाहो तो बिल्डर्स की हेल्प से भी कर सकते हो, चाहे आप स्टेयर्स में सीधे स्टेट के भी अंदर कर सकते हैं, ये अपनी क्या हो जाती है, क्वार्टर टर्न हो जाती है। उसके बाद अपने डॉग लेग की बात करी, यानी कि अपने यहाँ से स्टार्ट किया रनिंग, ठीक, यानी एक स्टेयर दो स्टेयर इस तरह से चलते गए, यहाँ पर बीच में अपने एक लैंडिंग आ गई, और लैंडिंग के बाद अपने क्या कर दिया, एंगल को चेंज कर दिया 180 डिग्री के ऊपर, तो वो क्या अपने डॉग लेग, और वहीं डॉग लेग की तरह अपन गए, बीच में अंदर फ्लैग प्रोवाइड कर दी और बीच के अंदर ओपन स्पेस प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है अपनी, ओपन स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है कंटिन्यूस स्टेयर्स, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्टेयर्स के अंदर क्या होता है कि द स्टेयर्स विच डू नॉट हैव एनी लैंडिंग और इंटरमीडिएट नेवल पोस्ट आर टर्मिनेट द कंटिन्यूस, जहाँ पे इनके इन बीच के अंदर कोई लैंडिंग प्रोवाइड नहीं किया जाती, सीधे चलते चले जाते हैं कंटिन्यूटी के अंदर, तो वो अपनी क्या कहलाती है भाई, कंटिन्यूस स्टेयर केस कहलाती है, ठीक। तो इसको अपन तीन फर्दर टाइप में डिवाइड किया था, एक तो स्पायरल, एक होता है सर्कुलर और एक होता है हेलिकल, ठीक है। तो आपने स्पायरल तो देखा ही होगा, स्पायरल कैसे होता है, इस तरह का होता है, ठीक है, अपने एक ऐसे तरह से घूमते हुए चले जाए, वहीं एक सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, और एक हो जाता है अपना हेलिकल, ठीक है, एक हो जाता है अपना हेलिकल। ये तीन तरह के मेनली जो क्या पाए जाते हैं भाई, यहाँ पर स्टेयर केस पाए जाते हैं, किसमें, कंटिन्यूस मेन में, ठीक। तो स्टेयर केस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स की अपन मटेरियल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो टिम्बर की स्टेयर केस हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, ठीक है। दीज स्टेयर्स आर लाइट इन वेट और ईजी टू कंस्ट्रक्ट, वेरी लेस फायर रेजिस्टेंस, सुटेबल फॉर स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी लाइट वेट तो होती हैं, ईजीली कंस्ट्रक्ट भी होती हैं, लेकिन फायर रेजिस्टेंस नहीं होती, सीधी सी बात है, लकड़ी की हैं तो लेस फायर रेजिस्टेंस होती हैं। कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, स्मॉल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर उनको यूज़ किया जाता है। अनसुटेबल कहाँ पर है, पब्लिक और लार्ज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो, लार्ज एरियाज के अंदर अपन इसको यूज़ नहीं करते हैं, स्मॉल लेवल पर अपन इसको यूज करते हैं। और जब भी अपन टिम्बर की स्टेयर केस बना रहे हैं, उसके इसमें अपन क्या याद रखना है, टिम्बर यूज मस्ट बी फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ टर्मिटाइज इंसेक्ट्स एंड फंगीज, उसके अंदर किसी भी तरह का जो अपने दीमक है, ठीक है, जो फंगी है, इंसेक्ट्स हैं, उनका अटैक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपना आता है स्टोन स्टेयर केस, तो स्टोन स्टेयर कहाँ यूज करते हैं, इट इज वाइडली यूज एट द प्लेस वेयर एस्लर मशीनरी इज रेडली अवेलेबल, ठीक, जहाँ पर मेनली एस्लर मशीनरी नहीं की जाती है, रेडली अवेलेबल होती है, वहाँ पर इस तरह की स्टेयर केस को यूज किया जाता है। इट इज पोजेस स्ट्रेंथ, रिजिडिटी, रेजिस्टेंस टू वियर एंड टीयर एंड फायर विल बी मोर, ठीक। तो इसके अंदर क्या होती है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, रिजिडिटी अच्छी होती है, रेजिस्टेंस अच्छा होता है वियर एंड टीयर के अंतर्गत, और फायर रेजिस्टेंस भी एज कम्पेयर टू मोर होता है टिम्बर के बजाय, और ये स्टेयर्स कंपेरेटिवली क्या होती हैवी होती है, ठीक है। तो स्टोन स्टेयर्स में भी हैव फॉलोइंग टाइप, रेक्टेंगुलर स्टेप्स हो सकते हैं या फिर स्पैंडल स्टेप हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रिक स्टेयर केस की, ये अनकॉमन स्टेयर से ज़्यादातर नॉर्मली यूज नहीं की जाती है, पहले पुराने टाइम में विलेजेस के अंदर यूज की जाती है, यूज इन विलेज इन वियर एंड टीयर इज कंपेरेटिवली मोर, भाई ईंटों के क्या टूटने फूटे चांसेस ज़्यादा होते हैं, बेसिकली पहले रूरल एरियाज के अंदर यूज़ किए जाते हैं, इनके अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जनरली यूज एट द एंट्रेंस ऑफ द आर्किटेक्चरल पर्पज, ज़्यादातर एंट्रेंस घर के अंदर अपन जैसे इंटर इंसर्ट करते हैं वहाँ पर जरूर थोड़ी बहुत ही स्टेयर्स को यूज कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट अपनी आती है मेटल स्टेयर्स, ठीक है। तो दीज आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, ये बेसिकली स्टील की कास्ट आयरन के माइल्ड स्टील की बनी होती है। ये कहाँ यूज जाती है, एमरजेंसी पर्पजेज के अंदर यूज करते हैं, जैसे कई बार आपने देखा होगा घरों के बाहर, आपके घर के अंदर एक मेन सीढ़ी अलग होती है, लेकिन बाहर यदि आपने कोई रेंट पर्पज से दे दिया ऊपर की तरफ क्या करते हैं, लोहे की सीढ़ी लगा के दे दें डायरेक्टली, तो वहाँ पर यूज किया जाता है, एक तो टेम्प्रेरी पर्पजेज के अंदर या फिर एमरजेंसी पर्पजेज के अंदर इसको यूज किया जाता है। बट आर नॉट प्रेफर इन रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग, दे आर नॉट गुड लुकिंग एंड मेक, एक तो अच्छी भी नहीं होती और एक आवाज़ भी ज़्यादा करती है, जब भी अपन इस पर चढ़ते हैं मूवमेंट उनके ऊपर होता है तो आवाज़ ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसको पब्लिक बिल्डिंग्स के अंतर्गत या फिर रेजिडेंस बिल्डिंग के अंदर प्रीफर नहीं किया जाता। नेक्स्ट अपना आता है आरसीसी स्टेयर्स, तो दीज आर द मोस्ट वाइडली यूज स्टेयर्स बोथ इन रेजिडेंशियल एंड पब्लिक बिल्डिंग्स, तो ज़्यादातर रेजिडेंशियल बिल्डिंग और पब्लिक बिल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है, आरसीसी स्टेयर्स कैसी यूज किया जाता है, दीज आर स्ट्रॉन्ग हार्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द फायर, स्ट्रॉन्ग भी होती है हार्ड भी होती है और फायर के अगेंस्ट रेजिस्टेंट भी होती है, ठीक है। इट कैन गिव एनी टाइप ऑफ फिनिश, इसको आप किसी भी तरह की फिनिशिंग और उसके आप प्रोवाइड कर सकते हो और इसको आप फील्ड में जाके ही बना सकते हो, इसकी डायरेक्टली प्रीकास्ट मेम्बर्स को भी यूज करके आप स्टेयर्स को बना सकते हो। तो ये कुछ स्टेयर्स हैं जो डिफरेंट मटेरियल आपको दिख रही है, जैसे ये कि आपको टिम्बर की स्टेयर केस दे रखें, ठीक है, ये लाइट वेट होती हैं। दूसरा अपने स्टोन स्टेयर्स की बात करिए, जो अपने पुराने टेम्पल्स और फोर्ट्स वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे,
नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रिक्स स्टेट्स जो कि मेनली इंट्रेंस के ऊपर दी जाती हैं। नेक्स्ट अपन मेटल स्टेट्स की बात करते हैं जो कि इमरजेंसी पर्पज पर दी जाती है, ठीक है। और ये होगी अपनी आरसीसी स्टेट के जो नॉर्मली डोमेस्टिक और रेजिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग्स के अंदर ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अपनी क्या हो गई आरसीसी स्टेट्स हो गई। ये अपने टाइप्स ऑफ स्टेट्स की बात करी थी, पहले स्टेट की बात करी थी यानी सीधे स्टेट में गए, इस तरह से आपको कुछ दिखेगी, ठीक है। इसमें कुछ पोर्शन जैसे आपको स्ट्रिंग था, ये इसका वेस्ट था, ये इसके क्या थी राइजर था, ये ट्रेड था, ये नेवल पोस्ट था, ये हैंड रेल्स थे, ठीक है, और ये ब्लास्टर्स थे। ये सारे आपको याद रखना है। फिर अपन ने क्वार्टर टर्न की बात करी यानी अपने 90 डिग्री का टर्न करना है, इस तरह से गए, फिर यहाँ पे एक लैंडिंग प्रोवाइड करी, उसके बाद 90 डिग्री पर अपन ने टर्न करवा दिया, फिर यहाँ पे क्वार्टर टर्न स्टेयर केस हो गई। फिर अपने कंटिन्यूस स्टेयर केस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी बीच में लैंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाती डायरेक्टली, ये बिंडर्स की हेल्प से, बिंडर्स क्या होता है ट्रेपर्ड जो जो होती हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं भाई, बिंडर्स बोल देते हैं, ठीक है। इस तरह के यदि स्टेप्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो कंटिन्यूस कहलाती है। फिर अपन ने बात करी थी बाईफर्गेटेड यानी सीधे ऊपर गया, उसको दोनों डायरेक्शन के अंदर टर्न कर दिया, पहले वाला थोड़ा सा क्या होगा चौड़ा होगा, उसके बाद में कम कम कर दिया जाता है, ये क्या हो जाती है बाईफर्गेटेड हो जाती है। तो ये सारी अपने क्या पढ़ी स्टेयरकेस के बारे में पढ़ा, ये अपने डॉग लेग पढ़ी। जब बीच के अंदर स्पेस नहीं दिया जाता है तो उसको क्या कह देते हैं डॉग लेग कह देते हैं, और वहीं यदि इनके बीच में थोड़ा स्पेस दे दिया जाता है तो उनको क्या कह देते हैं ओपन वेल, क्या कह देते हैं भाई ओपन वेल। दोनों ही क्या होती है हाफ टर्न होती है यानी कि 180 डिग्री के ऊपर टर्न होती है, कौन कौन से डॉग लेग और ओपन वेल, ठीक। उसके बाद अपने सर्कुलर की बात करी या स्पायरल की बात करी तो आपने देखा होगा बीच के अंदर क्या होता है एक स्टील का कॉलम होता है, उसके बाद में अपन इस तरह से क्या कर देते हैं प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो क्या कहलाती है अपनी कंटिन्यूस में स्पायरल स्टेयर केस कहलाती है। ये अपने टाइप्स ऑफ स्टेयर केस के बारे में बात की, ठीक। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, एक तो क्या जितने भी कंपोनेंट्स याद करना है, ठीक। कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या थे भाई अपन ने बात करी, सबसे पहले तो क्या होता है एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, नीचे नीचे का स्ट्रिंग होता है, उसके बाद में क्या है राइजर्स प्रोवाइड करेंगे, राइजर्स के बाद में क्या ट्रेड्स प्रोवाइड करेंगे, इस तरह के क्या स्टेट्स केस बना देते हैं। उसके बाद क्या कर देना है एक हैंडल प्रोवाइड कर देना है, फ्रंट में क्या होता है एक नेवल पोस्ट होता है, उसके बाद जितने मेंबर मिलेंगे उनको अपन क्या कह देते हैं ब्लास्टर्स कह देते हैं। तो ये सारे कंपोनेंट हैं वो आपको याद रखने हैं और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टेट्स केस याद करने हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे, आप लीजिए, ठीक है, थैंक यू।